ओह एक फ्रेम से मूवी का एक्साइटमेंट कितना बढ़ा सकते हो इनसे सीखो। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नेपाल से हो तो आप लोग प्रेम गीत 3 का मूवी देखे होंगे, उसका ट्रेलर टीजर जरूर देखे होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट मूवी था नेपाली जो हिंदी में रिलीज हुआ था और हिट भी हुआ था। तो उसका जो डायरेक्टर है संतोष सेन, उसका नया मूवी आने वाला, उसका फर्स्ट ग्लिम्स बोलो या फर्स्ट लैंडिंग बोलो या ग्लिम्स बोलो या टीजर बोलो, वो आया है 1 मिनट 14 सेकंड का है। तो नेपाली मूवी ट्रेलर टीजर थोड़ा कम आता है, तो मैं रिएक्शन करता हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करना, मैं ऐसे ही रिएक्शन करता रहूँगा। और आप लोगों को क्या रिएक्शन कराना है वो भी कमेंट कीजिए, मैं रिएक्शन जरूर करूँगा। तो नाम मूवी का नाम है बलिदान फर्स्ट लैंडिंग, न्यू नेपाली मूवी 2081 उधर है दसई में आने वाला है, मतलब दसई अभी बिता है, मतलब 1 साल बाद आने वाला है। तो उसका फर्स्ट लैंडिंग है, चलिए उसको देखते हैं। और संतोष सेन है इसके डायरेक्टर, तो उसके लिए मैं रिएक्शन कर रहा हूँ कि शायद उसका अच्छा होगा, या मतलब उनका मूवी अच्छा होता है। प्रेम गीत 3 मतलब नेपाली मूवी था, बहुत इंप्रेसिव था मुझे लगा था। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट, वैसा आर्टिस्ट और इंटरटेनिंग द नेशन, ये याद हो गया है आशु सेन फिल्म। ओके ओके ओह सरकारी ताकत से मजबूत सारा पुलिस बॉय, क्या लासम लास आगम कीड़ा मकोड़ा आंदोलन पे लग रहा है, कामनगर डंका बजाए ये डायलॉग्स लग रहा है कि तराई के है, तराई में सही नेपाली बोलता, थोड़ा भोजपुरी मिक्स, ताई भोजपुरी चलता है पर नेपाली से मिक्स वही लग रहा है भाई। परिवर्तन र पहचान का नाम में जनता को बलि चढ़ाएर देश को अस्मिता लुटन थाले पछि अब परचक्री को फन्दाबाट देश जोगाउन यस्ता कुटिलहरुको भाई क्या ब्रुटल लग रहा है भाई। बलिदान संतोष सेन फिल्म, क्या था ये भाई, एक गिली उसने पूरा इंटरेस्टिंग बना दिया। फिर से देखते हैं स्टार्ट इंटरटेनिंग द नेशन, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था भाई। ये देखो भाई सरकारी ताकत सारा पुलिस हमरो जमीन हमरो जमीन से उड़े रहा है। ओके काम नगर में काम नगर डंका बजाए रहो भाई, लासम लास उड़ाई देने भूमि पुत्र हो हमें भूमि पुत्र। ओके भाई इंप्रेसिव ये मधेश आंदोलन की कहानी लग रहा है मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि नेपाल में मधेश आंदोलन हुआ था। अब परचक्री को फन्दाबाट देश जोगाउन यस्ता कुटिलहरुको बलि दिने बेला। ओ बलिदान। ओके डायलॉग तो दो को डायलॉग था, एक वो बुलन के साथ था, ये हीरो के था। अच्छा है पूरा रग, पूरा खून खून भाई, मुझे नेपाली आता है समझ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पवन बिस्ट प्रोड्यूसर, देखो एक फ्रेम से मूवी का एक्साइटमेंट कितना बढ़ा सकते हो इनसे सीखो। कलर ग्रेडिंग भाई नेपाली मूवी ये भी 2 करोड़ अंतिम से अंतिम लगाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले मूवी हिट हुआ है तो थोड़ा लगाने का 1 करोड़ 2 करोड़ 40-50 लाख में नेपाली मूवी बन जाता है, पर मैं मानूंगा बहुत ही ज़्यादा लगा दिए मूवी, मेरे रुपया बहुत ही फूक दिए हो, तो 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया होगा नहीं, उतना ही लगाओगे। फिर भी इसका कलर ग्रेडिंग, जो मोशन पोस्टर है, जो मतलब लास्ट दिखाया कि इसे क्या होने वाला है, 2 डायलॉग जमा दिखाया है, एक डायलॉग दिखाया है कि मेरा मतलब कहाँ से आया है उसको, मतलब मैं ऐसे बलि दूंगा शंकर और लास्ट में बलिदान दूंगा जो खराब करने वाला को, ये 2 डायलॉग है। 2 डायलॉग से मूवी का एक्साइटमेंट कितना बढ़ गया है यहाँ से यहाँ हो गया है। संतोष सेन का डायरेक्शन पता ही है, प्रेम गीत 3 में डायरेक्शन किया है और यहाँ पे भी अच्छा ही करेंगे। जो कलर ग्रेडिंग है और होता है ना एक मोशन पोस्टर कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा भाई। अब मुझे जितना लग रहा है, मैं झूठ हो सकता हूँ, आप लोग प्लीज़ करेक्ट करना मुझे, ये मधेश आंदोलन था ना शायद वहीं पे कहानी लग रहा है। वो मतलब आंदोलन में बहुत ही आदमी मारा था, बहुत ही मतलब
बहुत ही नष्ट भ्रष्ट हुआ था, तो वहीं पे कहानी लग रहा है मुझे। और वहाँ पे जो पॉलिटिकल एंगल है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे, वहाँ पे हर एक आदमी का हर एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसे वैसे, तो उसमें ये दिखाएंगे। अब इसमें लैंडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, मूवी आने के बाद में टीजर डीजर आने के बाद में पता चलेगा, पर कहानी वैसे ही लग रहा है। बलिदान मतलब अब सबको मतलब होता है ना, बलिदान देंगे ऐसे किसी में कहानी है। बलिदान मतलब आप लोग हिंदी में वही बात है, नेपाली में भी वही बात है, बलि देना। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक टीजर से इतना, टीजर क्या बोले इसको, टीजर नहीं, पोस्टर से इतना मतलब एक्साइटेड कर दिया, तो इसका टीजर टेलर आएगा तो इसका मैं जरूर रिएक्शन करूँगा। तो आप लोग ये बलिदान का मोशन पोस्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप लोग नेपाली फैन हो या आप लोग इसे टीजर टेलर का देखने में फैन हो, क्योंकि नेपाल के 99% आदमी हिंदी से बूझ लेता है, तो प्लीज़ मेरा और भी वीडियो देखो, और भी वीडियो को सपोर्ट करो। और ऐसे ही मैं नेपाली का भी रिएक्शन करूँगा, और भी मतलब हिंदी हो, साउथ हो, उड़िया हो, बंगाली हो, जहाँ पे भी हो, वो हर एक टेलर टीजर को आज जो भी आप रिएक्शन कराना चाहते हो तो मैं वो रिएक्शन करूँगा, प्लीज़ कमेंट करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ऐसे सपोर्ट बनाए रखेंगे तो और भी तहलका तहलका तड़कता भड़कता वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।